press the bell icon to never miss a video from testbook.com नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वीडियो आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे फेमस टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन के बारे में लेकिन ये वीडियो शुरू होने से पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नोवाक जोकोविच ने विंबलडन 2018 में कौन से प्लेयर को हराकर जीत हासिल की तो आइए जानिए विंबलडन के बारे में दुनिया का सबसे पुराना और फेमस टेनिस टूर्नामेंट है इसे पहले द चैंपियनशिप्स चैंपियनशिपल्टन कहा जाता था इसका सबसे पहला आयोजन 1877 में किया गया 1877 से सारे टूर्नामेंट्स विम्बल्टन लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोके क्लब में किए जाते थे ये टूर्नामेंट्स जून के एंड और अर्ली जुलाई के सेकेंड वीक तक होते हैं शुरुआत में महिलाओं को इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अलाउड नहीं था लेकिन 1884 के बाद महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते थे विंबलडन ने 1889 में पॉपुलैरिटी गेन करना चालू किया जब विलियम ब्रेंशो ने लगातार सात विंबलडन विक्ट्रीज दर्ज की 1990 तक अब ये एक इंटरनेशनल अफेयर बन चुका था शुरुआत से लेके अब तक इस टूर्नामेंट में कई बदलाव आए 1993 में द क्लब ने एक प्लान रिवील किया जिसमें स्पेक्टेटर्स प्लेयर्स ऑफिशियल्स और नेबर्स के लिए इवेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात की गई प्लान का स्टेज वन 1997 में पूरा किया गया स्टेज टू 1997 से 2009 में पूरा किया गया जिसमें सेंटर कोर्ट के वेस्ट साइड में 728 सीट्स को ऐड किया गया स्टेज थ्री में एंट्रेंस बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन करना था जो कि 2011 में पूरा किया गया 2009 में एक रिट्रैक्टेबल रूफ बनाया गया जिसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश में सेंटर कोर्ट में गेम नहीं रोका गया विम्बल्टन के पाँच मेन इवेंट्स होते हैं जेंटलमैन सिंगल्स जिसमें 128 प्लेयर्स खेलते हैं लेडीज सिंगल्स जिसमें भी 128 प्लेयर्स खेलते हैं जेंटलमैन डबल्स जिसमें 64 टीम्स खेलती हैं लेडीज डबल्स जिसमें भी 64 टीम्स खेलती हैं और मिक्स डबल्स जिसमें 48 टीम्स खेलती हैं इसके अलावा चार जूनियर इवेंट्स और सात इनविटेशन इवेंट्स भी खेले जाते हैं विंबलडन 2018 का अंत 16 जुलाई 2018 को हुआ नोवाक जोकोविच ने केविन एंडरसन को हराकर मेन सिंगल्स फाइनल जीता 2016 फ्रेंच ओपन के बाद नोवाक जोकोविच ने यह अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है एंजली कर्बर ने सेरेना विलियम्स को हराकर लेडी सिंगल्स फाइनल्स जीता माइक ब्रायन ने रेवन क्लसन और माइकल वीनेस को हराकर जैक सॉक के साथ अपना 17वां ग्रैंड स्लैम मेंस डबल जीता विमेन्स डबल्स में बारबरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने निकोल मेलिकार और क्वेटा पेशके को हराया तो ये थी विंबलडन और विंबलडन 2018 के बारे में एक डिटेल जानकारी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू